पाकिस्तान पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान स्टीव स्मिथ का बयान आ गया है। स्टीव स्मिथ ने अपने बयान में क्या कहा है, पाकिस्तान के बारे में स्टीव स्मिथ का अहम बयान सामने आ चुका है। स्टीव स्मिथ जो कि कई अरसे तक दुनिया के नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक अहम बयान दे दिया है और इस बयान के दौरान वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए और उनके आंखों में आंसू आ गए। पाकिस्तान के बारे में स्टीव स्मिथ ने क्या कहा है उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर पहुंच चुकी है। स्टीव स्मिथ ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि पाकिस्तान में पहले क्रिकेट क्यों नहीं खेली गई। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और ये क्रिकेट के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ पर हम खुद को महफूज समझ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमारा भरपूर ख्याल रखा और हमें अच्छी सिक्योरिटी दे दी। हम शाहीन शाह आफरीदी हारिस रऊफ के साथ मुकाबले के लिए तैयार है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज कांटेदार होगी और शायकीन को एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में 3 टेस्ट 3 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। स्टीव स्मिथ के इस बयान के लिए एक लाइक तो बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।